अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक और चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16.6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अ 10 मिली हेनरी 20 ओम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट्स एंड 180 बाय पाई हर्ट्ज सोर्स, हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट। सो सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज 10 मिली हेनरी। फर्दर मिली स्टैंड्स फॉर 10 रेज टू पावर माइनस 3 हेनरीज, और इसी क्वाइल की अपनी ही रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, सो वो लिख लेते हैं हम यहां पे। रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर क्वाइल दैट इज आर, दैट इज 20 ओम्स। इसके अलावा अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। सो अब हमने लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ alternating voltage is equal to Vrms is equal to 240 volts. उसके बाद frequency given है 180 by pi hertz. So frequency of alternating वोल्टेज इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 180 बाय पाई हर्ट्स। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट। सो रिक्वायर्ड की हेडिंग होगी, इसके अंडर हम लिखेंगे एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट, या हम ये भी कह सकते हैं एवरेज पावर डिसिपेटेड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एवरेज पावर सप्लाइड बाय द पावर सप्लाई। सो हमें पी एवरेज फाइंड आउट करना है। हम ये बात जानते हैं कि एवरेज पावर डिसिपेटेड फाइंड आउट करने के लिए हमें फेज एंगल की भी जरूरत है, फेज एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें रिएक्टेंस की भी जरूरत है। तो हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंस ऑफ द क्वाइल। सो हम यहां पे लिखते हैं टू फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द क्वाइल यूज एक्स एल इज इक्वल टू 2 pi FL, substitute the given values XL is equal to 2 pi, frequency कितनी given है 180 by pi hertz, और self inductance की value कितनी है, it is 10 मिली हेनरी और 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 हेनरी। अब यहां पे पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इंटू 180 360 होता है, और आगे 10 से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 ओम्स, और ये बन जाएगा 3.6 ओम्स के इक्वल। अब
अगर हम देखें कि हर्ट्स इंटू हेनरी कैसे ओम के इक्वल आया, तो हम ये बात जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन 1/T के इक्वल होता है, इसलिए हर्ट्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/s। सो यहाँ पे 1/s लिख लीजिए। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन -EL/ΔI/ΔT से डिफाइन होता है, इसलिए हेनरी की जगह पे volt/ampere/s लिख सकते हैं। सो इस वजह से साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा volt/ampere/s, सेकंड से कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन volt/ampere बनेगा। और फर्दर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I के रिलेशन से हम volt/ampere को ओम के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें सर्किट इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है। सो यहां पे हम लिख लेते हैं टू फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट R एंड XL बाय हेड टू टेल रूल। Z किसके इक्वल आएगा, ये बनेगा R² + XL² √ के। अब हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग R इज इक्वल टू 20 ohms एंड XL इज इक्वल टू 3.6 ohms, वी गेट Z इज इक्वल टू 20² + 3.6² √। दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 400 + 12.96 √, और Z इज इक्वल टू 412.96 √, और Z इज इक्वल टू 20.3214 ohms और 20.3 ohms। ये हमने सर्किट इंपीडेंस फाइंड आउट कर ली। अब हमें फेज डिफरेंस चाहिए। सो टू फाइंड फेज डिफरेंस by which Vrms leads Irms, use theta is equal to tangent inverse of perpendicular over base। अब अगर हम यहां पे जो डायग्राम्स ड्रॉ की हैं उनको देखें, तो परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट डायग्राम के अंदर VL और बेस लाइन VR है, जो फर्दर रिड्यूस होके परपेंडिकुलर XL और बेस R के इक्वल आ जाएगी। सो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं VL और VR वाला। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ VL ओवर VR, सिंस V इज इक्वल टू IR होता है, सो इस वजह से थीटा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ IL XL ओवर IR इंटू R। अब चूंकि करंट सर्किट का सेम है, आई आर एम एस ऑफ द सर्किट, आई आर और आई एल सभी इक्वल हैं, इस वजह से करंट कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा का रिलेशन होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3.6/20 ohms भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पे। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.18 एंड थीटा विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 10.2 degrees। ये आंसर लेने के लिए कैलकुलेटर के ऊपर मॉड डिग्री वाला सेट होना चाहिए, अगर रेडियन वाला सेट हुआ तो फिर आंसर रेडियंस में आएगा और ऑब्वियसली वो इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप डिग्री में आंसर निकालें, वरना अगर आप ओवरऑल रेडियन में सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर वही आएंगे। लेकिन फिर फाइनल तक आपने जो मोड सेट कर लिया है डिग्री, तो एंड तक डिग्री रहना चाहिए, आर सेट कर लिया है तो एंड तक आर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने लिखना है टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड
यूज पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वेयर ओवर जेड इंटू कॉज ऑफ थीटा. सो सब्स्टिट्यूट वी आर एम एस इज इक्वल टू 240 वोल्ट्स, जेड इज इक्वल टू 20.3 ओम्स एंड थीटा इज इक्वल टू 10.2 डिग्रीज इन अबव इक्वेशन. वी गेट पी एवरेज इज इक्वल टू 240 वोल्ट्स का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 20.3 ओम्स और साथ कॉज ऑफ 10.2 डिग्रीज. सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, एवरेज पावर डिसिपेशन का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा. आंसर विल बी इक्वल टू 2790 वॉट्स. डियर स्टूडेंट्स, आंसर बुक में लिखे गए आंसर से थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है. उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस नेगलेक्ट किए हैं. तो अगर आप एज अ होल पुट करोगे या डेसिमल प्लेसेस नेगलेक्ट करके पुट करोगे तो आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट आएंगे. इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, वो ये टू फाइंड सर्किट करंट यूज आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर जेड. यहां से आप सर्किट करंट फाइंड आउट कर लीजिए by substituting the values we get IRMS is equal to 240 volts over 20.3 ohms. So IRMS will be equal to almost 11.8 amperes. Now use P average is equal to I RMS square into Z into cos of theta. So that means हम यहां पे values put कर लें, क्या बनेगा 11.8 amperes का square साथ impedance है circuit की 20.3 ohms और साथ है cos of 10.2 degrees. यहां से एवरेज पावर डिसिपेशन का अगर इक्वल आएगा 2782 वॉट्स के. ये आंसर भी प्रीवियस आंसर के तकरीबन करीब ही है. प्रीवियस आंसर 2790 वॉट्स था लेकिन डेसिमल प्लेस के नेगलेक्ट करने की वजह से कुछ फर्क आ सकता है. थर्ड हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट इज इक्वल टू द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द पावर सप्लाई. सो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम ये भी लिख सकते हैं और यूज पी एवरेज is equal to VRMS IRMS into cos of theta. Values put करने के बाद ये expression बन जाएगा 240 volts into 11.8 amperes into cos of 10.2 degrees. So P average is equal to 2787 watts. तो कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं. इसके बाद आपने जो भी मेथड यूज किया है उसके रिस्पेक्टिवली रिजल्ट को डिस्क्राइब कर दीजिए. हम यहाँ पे यही कंसीडर करेंगे कि जो हमारी पावर की वैल्यू है वो 2790 वॉट्स है और हम इनिशियल मेथड को लेके चल रहे हैं. अगर आपने कोई और मेथड यूज किया है तो उसके रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइब करना है आपने. सो आंसर क्या होगा, 2790 वॉट्स ऑफ power is dissipated by a 10 millihenry 20 ohms coil when it is connected to a 240 volts alternating source at 180 by pi hertz frequency.
सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफेरड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज़। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं गिवन डाटा की। इसमें हमने सबसे पहले लिखना है कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरड इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10^-6 फैरड। और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है, सो यहां पे लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वी आर एम एस इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स की, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू ? और सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टू फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज xc इज इक्वल टू 1/2πfc बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट xc इज इक्वल टू 1/2π इंटू 50 हर्ट्स, और c की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफेरड, सो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब 10^-6 को न्यूमिरेटर में ले जाते हैं, +6 लिखा जाएगा, सो 10^+6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 200, और 100 इंटू 0.5 कितना होता है, ये अगेन 50 बन जाता है। सो 50 और साथ मौजूद है पाई की टर्म, और यूनिट्स हैं 1/Hz इंटू फैरड, सो xc विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10^4। यहाँ पे 10^2 को सबलिट कर लिया गया है ताकि 50 से डिवीजन आसानी से हो जाए, और साथ मौजूद है पाई और 1/Hz इंटू फैरड मिलके ओहम बन जाएंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी xc की वो क्या होगी, 2 × 10^4 डिवाइडेड बाय पाई ओहम्स। अब फर्दर कैलकुलेटर पर सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अभी भी हम नियरेस्ट वैल्यू एस्टीमेट कर सकते हैं। आंसर है 6366 ओहम्स के करीब। अब हम ये देख लेते हैं कि 1/Hz इंटू फैरड किस तरीके से ओहम के इक्वल आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/T होता है, इसलिए हम हर्ट्स की जगह पे 1/s लिख सकते हैं, या फिर s-1 लिख सकते हैं, और क्यू इज इक्वल टू सी वी से C इज इक्वल टू क्यू बाय वी लिखा जा सकता है, जिसकी वजह से फैरड कूलम पर वोल्ट के इक्वल आएगा। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/Hz की जगह पे 1/s और कूलम पर वोल्ट, इस तरह से फर्दर ये लिखा जाएगा सेकेंड वोल्ट ओवर कूलम। फर्दर Q इज इक्वल टू IT के जरिए से कूलम को रिप्लेस कर दीजिए एम्पेयर सेकेंड के साथ, सो सेकेंड वोल्ट ओवर एम्पेयर इंटू सेकेंड में ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, वोल्ट ओवर एम्पेयर बनेगा। और हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन वी ओवर आई होता है, इसलिए हम वोल्ट पर एम्पेयर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ओहम लिख सकते हैं। सो इस तरीके से ये यूनिट्स चेंज हुए हैं। अब हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं।
टू कैलकुलेट ऑल्टरनेटिंग करंट यूज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस आएगी, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर यहां पे रूट मीन स्क्वायर करंट है तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होगा, पीक करंट है तो पीक वोल्टेज होगा। सो एक्स सी इक्वेशन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर एक्स सी। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट आई आर एम एस इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स ओवर 6366 ओम्स। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर बन जाएगा 0.02356 एम्पियर्स। अगर दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो वैल्यू क्या बनती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.024 एम्पियर्स। अगर हम इस टर्म को मिली एम्पियर्स में डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.024 एम्पियर्स इंटू 1 या फिर 10^0, ये भी 1 होता है, और 0 की जगह पे अगर हम 3-3 लिख दें तो ये भी 0 ही होता है। आप बेसिस अलहदा कर लीजिए, एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, ये मिली एम्पियर बन जाएगा और 0.024 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1000 से। सो आंसर कितना होगा, 24 मिली एम्पियर। डेसिमल हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 पॉइंट्स राइट साइड पे मूव कर देंगे, और उसके बाद हम रिजल्ट डिस्क्राइब कर देंगे किस तरह से करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट इज 0.024 एम्पियर्स और 24 मिली एम्पियर्स। रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।